हेलो लोंडो, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त पैंक्स लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीजन 9 में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं सेंसिटिविटी से रिलेटेड। सो मैं करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोरिल्ला ग्लू गेमिंग का क्लैन काला कच्चा गिरोह सुना पड़ा है। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर IGN। And without further ado, let's get started with the video. So, from now on, sensitivity section में और सबसे पहले हम find करेंगे कि आपकी perfect sensitivity क्या है। तो उसको find करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं practice range में। तो मुझे इतनी sensitivity चाहिए कि मैं एक flick करूँ, जो कि मेरा लंबा flick होता है, कि मैं 180 डिग्री टर्न कर सकूं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने सेंसिटिविटी सेटिंग्स में और मैं आपको रेकमेंड करूंगा रोटेशन मोड में फिक्स स्पीड, क्योंकि जो हमारी मसल मेमोरी है वो आसानी से लर्न कर पाएगी एक फिक्स स्पीड को। और अगर आप स्पीड एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी काइंड ऑफ रैंडम होती है, तो वो शायद हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो थोड़ी रैंडम सी होती है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं स्पीड एक्सेलरेशन के साथ तो उसके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं सेंसिटिविटी स्विच में यूज़ करूँगा स्विच वाइल ओपनिंग ADS, क्योंकि यार ADS में हम जब होंगे, एक तो इसमें तीन ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि जब आप वो ADS ओपन करें तब सेंसिटिविटी चेंज होए, एक ऑप्शन है कि स्विच आफ्टर ADS एनिमेशन एंड, जब उसका पूरा एनिमेशन एंड हो जाता है तब आप जाएँ, एक तो ये बात है। और एक होता है ग्रेजुअली स्विच वाइल ADSing, कि भाई साथ के साथ ही चेंज कर दिया। तो इसमें सबसे जो बेस्ट रहता है वो रहता है कि स्विच वाइल ओपनिंग ADS, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा ये सेंसिटिविटी प्रीसेट मिड ही रहेंगे। और अब आ जाते हैं हम कैमरा सेंसिटिविटीज़ की तरफ। और कैमरा सेंसिटिविटी में स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी आपको देखनी है आपको कितनी प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 80 यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए शायद 80 अच्छी ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी है। तो उसके लिए आपको जाना है वापस से ट्रेनिंग मोड में, और ट्रेनिंग मोड में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी हिप फायर सेंसिटिविटी। तो हिप फायर सेंसिटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ड्रोन जा रहा है इसको ट्रेस कर सकते हैं या फिर इसको ट्रेस करते हैं। अभी इसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको ट्रेस करते हैं, जैसे कि क्या मैं इसको ट्रेस कर पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, तो ठीक है ट्रेस कर पा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब मेरे लिए सेंसिटिविटी ठीक है। और अगर मैं इसे ट्रेस ना कर पाऊँ तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी सेंसिटिविटी चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी हिप फायर सेंसिटिविटी की। और हिप फायर सेंसिटिविटी हमारी स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी होती है, तो उसको अपने हिसाब से ज़रूर रख लें सेंसिटिविटी। एंड 80 इज़ द बेस्ट फॉर मी, यानी कि आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं, आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ अब ADS सेंसिटिविटी की, तो ADS सेंसिटिविटी मैंने रखा है अराउंड 140 या 140-150 के अराउंड, काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ अराउंड 140-150 के ही रखो। तो जैसे कि अब ADS सेंसिटिविटी चेक कर लेते, जैसे मैंने ADS किया तो मैं इसे ट्रेस कर पा रहा हूँ। अब मैं वो ड्रोन जाएगा उसे ट्रेस करके देखूँगा कि भाई वो ड्रोन ट्रेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा मुझसे, तो मुझसे आइडिया लग जाएगा काफ़ी कि मेरी ADS सेंसिटिविटी अच्छी है या नहीं। वो ड्रोन आ नहीं रहा है, क्या चक्कर है, वो आ गया ड्रोन, ठीक है। तो मैं आसानी से ट्रेस कर पा रहा हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस बार शूट नहीं करूँगा इसे, मैं इसे ट्रेस करूँगा सिर्फ, ये गया, थोड़ा सा दिक्कत हुई मुझे, बट ठीक है, मैंने थोड़ी अपनी मसल मेमोरी इस हिसाब से बना लिया कि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अब बात करते हैं मेन चेंजेस की, जो कि चेंज हुए हैं हमारे स्कोप सेंसिटिविटीज़ में। तो यानी कि हम अब बात ये हो चुकी है कि आप AR पे भी 3x 4x लगा सकते हैं, और आप स्नाइपर्स पे भी 3x 4x लगा सकते हैं, और उनकी सेंसिटिविटी अलग होती है। तो अब इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो ADS सेंसिटिविटी यूज़ कर रहे हैं वही सेंसिटिविटी अपने स्कोप के लिए यूज़ करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 140 यूज़ किया, तो मैं इसको 140 कर दूँगा, और 4x को भी मैं 140 कर दूँगा, और जो 6x 8x हैं उनकी सेंसिटिविटी हमें थोड़ी लोअर ही रखनी चाहिए।
अराउंड 40, देखो मैं यूज़ नहीं करता हूँ 6x और 8x, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इससे थोड़ा कम रखें, कि जैसे मैंने यहाँ पे 140 रखी है, तो आपको थोड़ा सा उससे कम रखना है। अगर मैं फायरिंग सेंसिटिविटी की बात करूँ, तो आपको डायरेक्ट यही कॉपी कर देनी है इसमें 3x में एंड 4x में। सो ये थी हमारी बेस्ट सेंसिटिविटी जो कि मैं फाइंड कर सका खुद के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई या नहीं हुई। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुई तो यार थैंक्स लिख देना, नहीं तो आप जो सजेशन देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और मैं मिलूँगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ।